Hello student, in last video we discussed about cell membrane, right? Now in this video we discuss about cell wall. Student, cell wall is outermost dead structure, right? जो कि सबसे outermost layer होता है, जिसका काम outerly जो भी mechanical कोई भी damage हो, right? उसे डैमेज के सामने प्रोटेक्शन देने का एंड सेल को स्पेसिफिक शेप कवर अप करता है, राइट? अब हम आप सबको सेल वॉल का फंक्शन बताए. नाउ वी डिस्कस अबाउट जो कि सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, राइट? व्हेन वी हियर वी डिस्कस अबाउट इन डिटेल यूकैरियोटिक बट सम वी डिस्कस सम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, राइट? तो प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करें हम, तो बैक्टीरियल सेल वॉल इट्स मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. स्टूडेंट, ओके, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है. मींस कि वो ये जो पूरी पेप्टिडोग्लाइकन की चेन है वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बना है. ओके स्टूडेंट, रिमेम्बर दिस पॉइंट. देन बैक्टीरिया के बाद हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप में आप देखोगे तो सम ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स आर एनिमल लाइक, सम ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया लाइक और सम ऑफ दी ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे जो ऐसा होगा कि सभी के अंदर जो सेल वॉल जो है वो डिफो देखने को मिलेगी. जैसे एनिमल लाइक होंगे उसके पास सेल वॉल नहीं होगी, प्लांट लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं उसके पास सेल वॉल उसकी सेल वॉल होगी, राइट? तो डिपेंड करता है वो प्रोटिस्ट कौन से ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है, राइट? नाउ वी डिस्कस अबाउट सेल वॉल ऑफ फंगी. तो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ओके स्टूडेंट, इट आल्सो वन काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, ओके. देन वी डिस्कस अबाउट एल्गल, ओके. तो एल्गी जो होती है, एल्गी की सेल वॉल के बारे में हम बात करें तो एल्गल सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ओके. जो एल्गल है उसकी सेल वॉल ये सारे जो भी पॉलीसेकेराइड है इससे बनी होती है, जिसमें ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये मिनरल से बना हुआ वॉल लाइक स्ट्रक्चर. जबकि एल्गल सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लांट, ओके. तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स. ओके स्टूडेंट, तो प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स से बना हुआ है. ओके स्टूडेंट, देन हमने लास्ट लेक्चर में मतलब जब प्लांट सेल स्टडी किया था तो प्लांट सेल में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट के सेल में जो है, प्लांट के सेल में आउटर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मिडिल लैमेला होता है और मिडिल लैमेला जो है इंटरसेलुलर जंक्शन बनाता है, यानी कि दूसरे सेल के साथ कनेक्शन बनाने का काम करेगा. ओके, तो दैट मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ओके, जो कि एक मिडिल लेयर होगा. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जो मिडिल में ब्लू कलर का लेयर बताया है इट्स अ मिडिल लैमेला, ओके. It's made up of from calcium pectate. Okay student? तो यहाँ पे हम बात करें तो सेल वॉल, तो स्टूडेंट सभी की सेल वॉल नाउ यू ऑल क्लियर. बैक्टीरियल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, फंगल मेड अप ऑफ काइटिन, देन एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? इट्स अ मिनरल्स. Then plant cell wall made up of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. Okay, and then plant's middle lamella is made up of from calcium pectate. ध्यान रखना स्टूडेंट, सेल वॉल का काम जो है वो प्रोटेक्शन देना है, आउटर शेप देना है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी सेल वॉल खत्म होती है स्टूडेंट्स. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन मेम्ब्रेन सिस्टम, ओके. थैंक यू.